ओके, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे पिछले व्लॉग्स देखकर, ये भी आप लोग मुझे इस व्लॉग में बता सकते हो कमेंट्स में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मजे की बात ये है कि संडे गुजर गया, संडे को स्नैन घर पे नहीं होता तो इसकी याद बड़ी आती है। तो आज मंडे है तो स्नैन भी आ गया है, तो हम दोनों मिलकर गाड़ी की करेंगे इंटीरियर डिटेलिंग आपके साथ। गाड़ी अंदर से बहुत रफ हुई थी, लाहौर का एक ट्रिप मार के आई है फैमिली के साथ। फैमिली के साथ जब गाड़ी जाती है ना तो आपको पता है कितना गंद होता है। वैसे आप दो बंदे जाओ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चार पांच बंदे बैठे हों, तीन चार बच्चे बैठे हों, खाना पीना हो, बड़ा कुछ होता है, गंद होता है, ये होता है, बच्चे को बंदा ये भी नहीं कह सकता तूने ये क्या किया वो क्या किया। अच्छा, तो गाड़ी में लगी हुई है कैचअप शैचअप, दाग शाग, वो दाग भी आपको दिखाता हूँ, वो भी देखें जरा। और इस सारी डिटेलिंग को मैंने करना है अपने हाथ से, स्नैन की लेनी है मैंने मदद। इसमें मैंने यूज़ करनी है वो जो डिटेलर्स ब्रशेज नहीं यूज़ करते डीप क्लींजिंग के लिए, बारीक जगहों पे जहाँ पे फिंगर्स नहीं जाती बट वहाँ पे ब्रशेस जाते हैं, वो ब्रशेस यूज़ करने हैं। एक पहले लिक्विड सब बनाना है, खुद से सरफ लेना है, कुछ चीज़ें लेनी है, उनको मिक्स करना है, शेक करना है, शॉवर में डालना है, एंड देन प्रोडक्ट डन। सॉफ्ट सा एक कपड़ा लेना है जिससे गाड़ी को ईजीली, यानी कि सॉफ्टली सॉफ्टली अच्छे से पोले पोले हाथ से गाड़ी का इंटीरियर क्लीन करना है, ठीक है। ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाना, गाड़ी है कोई होता रेडी नहीं है भाई, समझ जाओ। ओके, तो यार चलो चलते हैं, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, लेट्स गो गाइस। बाइक अभी स्नैन भाई निकाल रहा है और गाड़ी ये खड़ी है, गेट ओपन हो गया, तो अभी गाड़ी को लगाएंगे यहाँ पे एंड देन इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये बताना है इसमें गंदी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, ये ना को साफ गाड़ी को साफ कर रहा है। यार ये शॉवर है, इसमें मैंने लिक्विड ऐड कर दिया, और ये एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, ये क्लॉथ है, और एक ये क्लॉथ है, और ये दो ब्रशेज हैं। एक मैंने लिया छोटे वाला, आपको दिखाता हूँ, ये छोटा है ब्रश और ये बड़े वाला ब्रश है, ठीक है। और एक ये सॉफ्ट सा कपड़ा लिया है मैंने इंटीरियर के लिए, बाकी ये वाले अंदर यूज़ हो जाएंगे। और एक ये स्पंज लिया है जो सख्त चीज़ों को, यानी जो पक्के दाग होंगे उनको ईजिली रिमूव कर सके। थोड़ा सा साफ़ पानी लिया है, तो गाड़ी को बस इतनी ही चीज़ों से इंटीरियर इसका क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गाइस फिर रेडी हो जाओ, चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, तो चलो चलते हैं, गाड़ी को साफ कर देते हैं। ओके, तो यार इंटीरियर अच्छे से डन हो गया है, तो अच्छी खासी मेहनत ली है इसने, मैंने आपको टाइम लैप्स में दिखाया है इसके, ये मतलब नहीं है कि मेहनत इस पर नहीं हुई, टाइम लैप्स में मैंने आपको एक मिनट के अंदर अगर सारा दिखा दिया इसका मतलब इस पर ऑलमोस्ट घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा लगा है, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये करना। और अभी आपको गाड़ी दिखाता हूँ बाहर से, आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी को शदीद बाहर से भी साफ़ होने की ज़रूरत है। देखो लग रही है कि नहीं गंदी, तो बस इसका भी हल करते हैं, इसको मैं डायरेक्टली क्लीन करके ना देन आपके सामने जो फाइनल रिजल्ट होगा ना गाड़ी का वो लेके आता हूँ, तो वेट करो तब तक। और मैं आ गया, फाइनल रिजल्ट ये है यार, गाड़ी क्लीन हो गई है और अभी ये घर से बाहर जा रही है किसी काम से, और आपको इसका रियर भी दिखाता हूँ। ओके, तो यार गाइस गाड़ी मैंने अच्छे से क्लियर कर दी थी, और आप लोगों को मैंने टाइम लैप्स और सारी चीज़ें दिखा दी हैं, गाड़ी कहाँ कहाँ से गंदी थी, कहाँ कहाँ से साफ होने वाली थी।
गाड़ी के इंटीरियर आप लोगों ने देख लिया, गाड़ी अच्छी खासी रफ थी और मेरा आज का पूरा दिन गाड़ी पे ही लगा, ऐसी बात नहीं है। और मैं फ्री था इसी वजह से गाड़ी क्लीन की। तो गाड़ी का बिफोर आफ्टर तो मैं कर नहीं सका अच्छे से, क्योंकि गाड़ी चली गई। शाम में भाई ने जाना था फैमिली के साथ, तो भाई फैमिली के साथ चला गया, इस वजह से मैं बाहर से एक वीडियो ले सका था, जो कि मैंने अपने ब्लॉग में ऐड कर दी है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं दोबारा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहूं और इस्लामाबाद को भी एक्सप्लोर करूं फ्यूचर में जाके। इस्लामाबाद को भी एक्सप्लोर करना है यार, ऐसी बात नहीं है, अभी मैं बाहर निकल नहीं रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है मैं इस्लामाबाद को एक्सप्लोर नहीं करूंगा। बड़ी जगह है इस्लामाबाद में घूमने फिरने की भी, खाने पीने की भी और भी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो कल का व्लॉग होगा ना, वो कोशिश करूंगा पूरा अपलोड हो। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट है, बट इसमें मेहनत अच्छी खासी थी, जो मैंने एक एक गाड़ी को साफ किया ना, एक एक पीस को, एक एक पार्ट को, मेरी तबाही हो गई है, मैं थक गया। तो थकने के बाद मैंने क्या किया, शॉवर किया, कपड़े चेंज किए हैं, इजी कपड़े पहने हैं, और अब थोड़ा रेस्ट करने का टाइम आता है मेरा। तो होपफुली आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा मेरा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड ओके, थैंक यू सो मच।